हेलो स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट करेंगे एन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ख़ास तौर पर यू और पी के बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं तथा इनमें से पी और यू में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एन के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एन की सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स की साइंस का फर्स्ट चैप्टर भोजन ये कहाँ से आता है इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के संगठक भोजन सामग्री के स्रोत पादपों से मिलने वाला भोजन जंतुओं से मिलने वाला भोजन और पोषण की विधियाँ हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवों को यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ भोजन से मिलते हैं देखिए हमारे शरीर में मांसपेशियों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है हजारों लाखों कोशिकाओं को बनाने के लिए और विकसित करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होता है भोजन शरीर में ऊर्जा वृद्धि विकास और मरम्मत का काम करता है अब हम जानेंगे भोजन के संगठक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम भोजन के संगठक कहते हैं इन संगठनों के अंतर्गत कच्ची सब्जी नमक मसाला और भी खाना पकाने के लिए यूज किए जाने वाली सामग्री को हम भोजन का संगठक कहते हैं किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगठक की आवश्यकता होती है भोजन सामग्री के स्रोत क्या क्या हैं जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं जैसे पौधे और जंतु इन दो चीज़ों के द्वारा हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं पौधों से हमें धान दाल सब्जी तथा फल मिलते हैं जबकि जंतुओं से दूध अंडे मांस घी दही आदि हमें प्राप्त होते हैं भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा बसा मिलता है रोटी चावल मक्का में कार्बोहाइड्रेट दाल अंडा में प्रोटीन घी और तेल में बसा रहता है अब हम जानेंगे पादपों से हमें क्या क्या भोजन प्राप्त होता है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं इसमें दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं कई पौधों के हम जड़ खाते हैं जिसमें मूली गाजर चुकंदर आते हैं तना तने के अंदर आलू अदरक हल्दी लहसुन शकरकंद आदि आते हैं और पत्तों में पालक सरसों आदि भाजी आते हैं जिनका हम सेवन करते हैं अंकुरण क्या है अंकुरण किसी शिशु पौधे को उगने के लिए जो क्रिया होती है उसे अंकुरण कहते हैं जबकि अंकुरित जब हम चने वगैरह भिगो के रख देते हैं तो उसमें सफ़ेद कलर के वो धागे नुमा कुछ आकृति निकलती है वो अंकुरित होते हैं अब हम जानेंगे मकरंद के बारे में मकरंद क्या होता है यह मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया फूलों का जो मीठा रस रहता है ना उसे हम मकरंद कहते हैं ये एकत्रित करके अपने छत्ते में भंडारित करती हैं जो बाद में हमें शहद के रूप में प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम शहद के रूप में करते हैं देखिए जैसा हमें यहाँ बताया गया है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लेकर शहद बनाती हैं और शहद में क्या होता है शर्करा होता है खनिज और एंजाइम इसमें होते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं से मिलने वाला भोजन इससे पहले हमने पढ़ा था कि पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसकी हम जड़ खाते हैं तना खाते हैं उसके पत्ते खाते हैं ऐसे ही जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है मछली का लोग मांस खाते हैं मांस शहद आदि ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन हैं जैसे कि जंतुओं में हम भैंस गाय आदि को पालते हैं उससे हमें दूध प्राप्त होता है कुछ लोग मुर्गी बत्तख पालते हैं उससे उन्हें अंडे और मांस मिलता है कुछ लोग बकरे पालते हैं बकरे का भी वो मांस खाने में यूज़ करते हैं ये सब चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं लास्ट टॉपिक है पोषण की विधियाँ इसमें स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के जीव रहते हैं स्वपोषी वह होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं और दूसरों पर आश्रित नहीं होते जैसे कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यह दूसरों पर आश्रित नहीं रहते और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी तो कहलाते हैं परपोषी वह जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते जो पौधों पर और जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं वह परपोषी कहलाते हैं परपोषी तीन प्रकार के होते हैं शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी शाकाहारी में वह आते हैं जो सिर्फ घास फूस पेड़ पौधों की पत्ती आदि खाते हैं चाहे कुछ हो जाए भूखे मर जाए वह मांस आदि का सेवन नहीं करते अब इसके बाद मांसाहारी में वह जंतु आते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं वो कभी घास फूस नहीं खा सकते और सर्वाहारी में आते हैं मनुष्य कुत्ते वगैरह ये सर्वाहारी में आते हैं जो दोनों चीज खा लेते हैं उन्हें लगता है कि भाई अब हमारे बस की नहीं है हम शाकाहार नहीं मिल रहा तो वो मांसाहार पे उतर आएंगे। और यदि मांस आदि नहीं मिल रहा तो वो शाकाहार खा लेंगे फल सब्जी खा लेंगे है ना ऐसे इनमें अंतर होते हैं लेकिन जो शाकाहारी हैं वो कभी मांस नहीं खाएंगे और जो मांसाहारी हैं वो कभी पेड़ पौधे पत्ती आदि नहीं खाएंगे अपमार्जक अब ये अपमार्जक क्या होते हैं ये डिटर्जेंट का काम करते हैं ये हमारे आसपास मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं कचरा खाते हैं हमारे घर के आसपास साफ़ सफाई रखते हैं ऐसे जंतुओं को हम अपमार्जक या मुर्दाखोर कहते हैं इसके अंतर्गत कुत्ता बिल्ली गिद्ध कौए आदि आते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं और उनको साफ़ कर देते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट का ये काम करते हैं हाँ, अब हम देखेंगे परपोसी के प्रकार इसमें शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी ये सब आपको बता दिए गए हैं बस आप एक बार डेफिनेशन जान लें शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो केवल पादप खाते हैं जैसे हिरण गाय बकरी खरगोश आदि मांसाहारी वह होते हैं जो जंतु खाते हैं पादप नहीं खाते जैसे शेर बाघ लोमड़ी आदि और सर्वाहारी के अंतर्गत वह जंतु आते हैं जो पादप भी खाते हैं और प्राणियों को भी खाते हैं जैसे मनुष्य कौवा बिल्ली कुत्ता आदि सर्वाहारी में आते हैं चलिए यहाँ पर समाप्त तो होता है सिक्स क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा साइंस के और चैप्टर्स की वीडियो हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे चाहे वो सिक्स क्लास की एन हो सेवेंथ क्लास की सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी अपडेट्स प्राप्त हों धन्यवाद